ओके वेलकम बैक टू अगेन। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करेंगे न्यू होमर कैरेक्टर के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। एंड आपको पता होगा कि कैरेक्टर कॉम्बिनेशन आपको कितना इम्पोर्टेंट है। एंड होमर कैरेक्टर का एबिलिटी काफी रेयर बताया जा रहा है। एंड होमर कैरेक्टर तो उसमें एक खास कैरेक्टर है ही, बट मैं आपको कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स बताऊंगा जो आपके होमर कैरेक्टर को और भी ज्यादा पावरफुल बना देंगे। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड गाइस, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक होमर कैरेक्टर को नहीं निकाला होगा, क्योंकि गाइस सभी के पास डायमंड नहीं होता। तो गाइस, अगर आपने होमर कैरेक्टर को नहीं निकाला ना, तो फिर भी ये वीडियो आप लोग देखना, क्योंकि गाइस बहुत ही जल्द होमर कैरेक्टर लिंक वाले सिस्टम में फ्री में आ जाएगा। सो वीडियो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा। सो चलो बिना देर लगाते हुए वीडियो को कर लेते स्टार्ट। कॉम्बिनेशन बताओ, उससे पहले मैं आपको होमर कैरेक्टर का थोड़ा सा एबिलिटी बता देता हूँ कि होमर कैरेक्टर का एबिलिटी किस टाइप से काम करता है। सो न्यू होमर कैरेक्टर के अंदर तीन एबिलिटी है। इसका पहला एबिलिटी कि आप लोग इसका एबिलिटी ऑन करते हो तो एक ड्रोन निकलता है। एंड जैसे आपसे 90 मीटर से नजदीक उस ड्रोन को एनिमी दिखता है ना, तो वो ड्रोन एनिमी पे जाके फटता है एंड एनिमी को 25 का डैमेज लगता है। ये था होमर कैरेक्टर का पहला एबिलिटी। एंड वो ड्रोन वहां पे फटता है, उसके बाद वहां पे 5 मीटर का एरिया बनाता है एंड उस एरिया के अंदर उस एनिमी का 60% मूवमेंट स्पीड कम हो जाता है। ये है होमर कैरेक्टर का दूसरा एबिलिटी। एंड होमर कैरेक्टर का सबसे लास्ट वाला एबिलिटी के उस 5 मीटर के एरिया के अंदर उस एनिमी का फायरिंग स्पीड भी 35% कम हो जाता है। यानी कि जो फायरिंग करेगा तो उसके गन से जो गोलियां निकलती है ना, वो 35% कम स्पीड से निकलेगी, जिस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर देखो। सो ये तीन एबिलिटी है न्यू होमर कैरेक्टर के अंदर, अगर आपको पता नहीं है तो। अब बात करें तो कॉम्बिनेशन के बारे में। सो गाइस, मैं आपको दो कॉम्बिनेशन बताऊंगा, एक रश गेम प्ले के लिए एंड दूसरा लॉन्ग फाइट के लिए, क्योंकि गेम के अंदर दो टाइप के लोग होते हैं। सो पहले लॉन्ग फाइट के लिए कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सो होमर कैरेक्टर एक एक्टिव स्किल वाला कैरेक्टर है, इसीलिए आप लोग तीनों पैसिव स्लॉट में तीन कैरेक्टर यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले स्लॉट में आपको होमर कैरेक्टर के साथ यूज कर लेना है मारो कैरेक्टर। अब मारो कैरेक्टर क्यों? क्योंकि गाइस मारो कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है कि जैसे जैसे डिस्टेंट बढ़ेगा ना, वैसे वैसे डैमेज भी बढ़ेगा। एंड आपको नॉर्मली पता होगा कि जैसे जैसे डिस्टेंट बढ़ता है ना, वैसे वैसे डैमेज कम होता है। बट मारो कैरेक्टर का एबिलिटी इतना रेयर है ना कि जैसे जैसे डिस्टेंट बढ़ेगा ना, वैसे वैसे डैमेज भी बढ़ेगा। जिस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर देखो, जैसे एनिमी मुझसे जा रहा है तो डैमेज भी बढ़ रहा है। इसीलिए गाइस आपको होमर कैरेक्टर के साथ यूज कर लेना है लॉन्ग फाइट में मारो कैरेक्टर, अगर आप लोग लॉन्ग फाइट लेना पसंद करते हो। अब बात करें तो दूसरे स्लॉट में। सो लॉन्ग फाइट में दूसरे स्लॉट में आपको होमर कैरेक्टर के साथ यूज कर लेना है लियोन कैरेक्टर। अब लियोन कैरेक्टर क्यों? क्योंकि गाइस लॉन्ग में कोई भी एनिमी अगर आपको डैमेज देगा ना, तो उसके बाद आप लोग थोड़ी देर सर्वाइव करोगे ना, तो आपका 30 HP रिकवर कर देगा। जिस तरीके से बैकग्राउंड के अंदर देखो, एनिमी आप पर रश करेगा तब तक आपका लियोन कैरेक्टर 30 HP रिकवर कर देगा। एंड एक आध आप लोग मेडिकिट मार लेना, जिससे आपका HP फुल हो जाएगा। सो ये भी आपके होमर कैरेक्टर को एक अलग ही एडवांटेज देगा। एंड अब बात करें तो तीसरे स्लॉट में। सो तीसरे स्लॉट में लॉन्ग फाइट में आपको होमर कैरेक्टर के साथ यूज कर लेना है एंड्रयू कैरेक्टर। अब एंड्रयू कैरेक्टर क्यों? एंड्रयू कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है कि वो आपके विस्ट का ड्यू एबिलिटी इंक्रीज करेगा, जिससे आपके विस्ट का पावर बढ़ेगा तो आपको डैमेज भी कम पड़ेगा। एंड एंड्रयू कैरेक्टर का दो एबिलिटी होगा, क्योंकि फ्री फायर के अंदर दो एंड्रयू है। जो पहले एबिलिटी बताया वो नॉर्मल एंड्रयू का था। एंड इलाइट एंड्रयू का एबिलिटी क्या है कि आपके टीममेट में से एक आध टीममेट भी इलाइट एंड्रयू का यूज कर रहा होगा ना, तो आपके चारों के चार टीममेट को 15% डैमेज कम पड़ेगा। उसी तरीके से आपके चारों टीममेट में से दो टीममेट इलाइट एंड्रयू का यूज कर रहे होगा ना, तो आपके चारों के चार टीममेट को 30% डैमेज कम पड़ेगा अगर कोई एनिमी डैमेज देता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर चारों के चार टीममेट इलाइट एंड्रयू का यूज करते ना, तो आपको 60% डैमेज कम पड़ेगा। सो इसीलिए आपको तीसरे स्लॉट में एंड्रयू कैरेक्टर का यूज
करना है। अगर आप लोग लॉन्ग फाइट लेना पसंद करते हो तो आपको होमर कैरेट के साथ ये कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। एंड अब बात करें तो अगर आप लोग रश करके खेलना पसंद करते हो तो आपके लिए होमर कैरेट के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। सो सबसे पहले स्लॉट में आपको यूज कर लेना है जोटा कैरेक्टर का। अब जोटा कैरेक्टर का क्यों? क्योंकि गाइस जिस टाइम भी आप लोग होमर कैरेट के साथ रश करके खेलते हो ना, तो अगर आप लोग किसी भी एनिमी को डाउन कर लोगे ना तो आपका 40 HP रिकवर कर देगा। जिस तरीके से बी ग्राउंड के अंदर देखो, मैं होमर कैरेट के साथ एनिमी को डाउन कर रहा हूँ एंड मेरा HP लूज हो रहा है, तो देखो मेरा 40 HP रिकवर कर रहा है। सो आपको इसीलिए जोटा का यूज करना है अगर आप लोग रश करके खेलना पसंद करते हो। एंड अब बात करें तो दूसरे स्लॉट में, सो दूसरे स्लॉट में आपको यूज कर लेना है कैली कैरेक्टर का। एंड अब तुम लोग ये मत बोलना कि कैली कैरेक्टर का एबिलिटी हमें नहीं पता। आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड का नेम भूल सकते हो बट कैली कैरेक्टर का एबिलिटी नहीं, क्योंकि गाइस फ्री फायर में सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला कैरेक्टर है कैली कैरेक्टर। एंड कैली कैरेक्टर का एबिलिटी क्या है कि वो आपका 6% स्प्रिंटिंग मूवमेंट स्पीड इंक्रीज करता है। एंड उसका कोई टाइम नहीं है कि वो स्पीड कब तक रहेगा, वो पूरे गेम के अंदर आपका 6% स्प्रिंटिंग स्पीड बढ़ा ही रहेगा अगर आप लोग कैली का यूज करते हो। सो इसलिए आपको कैली कैरेक्टर का यूज तो करना ही पड़ेगा अगर आप लोग रस करके खेलना पसंद करते हो। एंड अब बात करें तो तीसरे स्लॉट में, सो अगर आप लोग रस करके खेलना पसंद करते हो तो तीसरे स्लॉट में आपको यूज कर लेना है हायातो कैरेक्टर का। एंड गाइस हायातो कैरेक्टर का एबिलिटी में ज्यादातर मेरे वीडियो में बता चुका हूं कि किस टाइप से काम करता है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि अगर वो एनिमी आपको डैमेज देगा ना तो आपको डैमेज कम पड़ेगा एंड आप लोग उस एनिमी को डैमेज दोगे ना तो उस एनिमी को ज्यादा डैमेज पड़ेगा। अगर आपको यकीन नहीं है तो गाइस ये वाली वीडियो जाके देखना। इस वीडियो में मैंने फुल डिटेल्स के साथ बताया कि हायातो कैरेक्टर का एबिलिटी किस टाइप से काम करता है। गाइस अभी के टाइम पे मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी बताता बट वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। एंड गाइस मैं किसी भी कैरेक्टर का एबिलिटी गलत नहीं बताता, ठीक है? जो उसका एबिलिटी होता ना मैं रियल एबिलिटी हमेशा बताता हूँ। सो गाइस आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो चलो गाइस बाय बाय।